ये देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। पंजाब के टॉप पुलिस अफसर के खिलाफ केस, वसूली रैकेट चलाने, रेप जैसे संगीन आरोप। पंजाब के विजिलेंस ब्यूरो के AIG आशीष कपूर खिलाफ मोहाली में क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। केस पंजाब पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन सेल ने दर्ज किया है। कुरुक्षेत्र की रहने वाली 36 वर्षीय महिला ने 28 जून 2019 को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट को कपूर के खिलाफ शिकायत भेजी थी। इसमें फर्जी केस में फंसाने, लूट और पुलिस की मौजूदगी में रेप जैसे आरोप कपूर पर लगाए गए। इससे पहले 1 मई 2019 को पंजाब CID के इंटेलिजेंस विंग ने कपूर को पटियाला सेंट्रल जेल से वसूली का रैकेट चलाने के मामले में आरोपी बनाया था। उसी केस के दौरान पीड़िता महिला का बयान रिकॉर्ड किया गया। एक परिवार के सभी 4 लोगों ने जहर खाकर दी जान। पुडुचेरी के ओरिविल शहर में एक परिवार के सभी 4 सदस्यों की खुदकुशी से हर कोई सकते में है। प्रारंभिक जांच से परिवार का कर्ज में डूबे होने का संकेत मिला है। इस घटना का तब पता चला जब इस परिवार के घर से बदबू आनी शुरू हुई। घर पिछले 3 दिन से बंद था। पड़ोसियों के सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच आरंभ की है। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज के पीछे एनकाउंटर, 1 लाख के इनामी बदमाश को लगी गोली। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज के पीछे आज तड़के एनकाउंटर हुआ है, जिसमें 1 लाख के इनामी बदमाश इकबाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इकबाल पर 25 से ज्यादा केस दर्ज है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।